मेरा कोई नहीं है, अकेले घर में जी नहीं लगता इसलिए। मैं समझ गया, आइए। देखिए सब छोटे बच्चे इस कमरे में, ये 1 साल का है। ये बच्चा मुझे चाहिए। इतना छोटा? जी हाँ, यही बच्चा मुझे पसंद है। इतना छोटा बच्चा पालने में आपको बहुत तकलीफ होगी। जिस माँ का अपना बच्चा होता है वो भी तो आखिर पालती है ना। अगर आपको पसंद है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। ये बच्चा नर्स को दे दीजिए। नर्स, आप मेरे साथ ऑफिस में आइए। आइए, छोटे बच्चे के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपको मालूम है? नहीं तो मैं आपको लिस्ट देता हूं, ये लीजिए, इसमें जरूरत की सब चीजें लिखी हैं। आप बाजार से खरीद लाइए, तब तक मैं फार्म तैयार करके रखता हूं। नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, ये देखिए आपने जो लिस्ट दी थी मैं उससे भी ज्यादा चीजें ले आई हूँ। इसे कहते हैं तकलीफ। जो बच्चा आपने पसंद किया था ये सब उसकी किस्मत में नहीं। क्या बात यह है कि आपके जाते ही एक सज्जन है जिनकी बीवी को तीसरी बार मरा हुआ बच्चा पैदा हो। अगर ये बात उसे मालूम हो जाती तो शायद वो जिंदा ना रहती। उनकी जान बचाने का एक ही रास्ता था कि उसे दूसरा बच्चा दे दिया जाए। और आपने उसे मेरा बच्चा दे दिया। आप तो सिर्फ उसे गोद लेना चाहती थी, आपको दूसरा मिल जाए, लेकिन उस औरत की जिंदगी और मौत का सवाल था, उसकी जरूरत आपसे ज्यादा थी। नहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं? आपने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला, ये क्या किया आपने? आप खामखा इतनी परेशान हो रही है, आइए दूसरा बच्चा पसंद कर लीजिए। नहीं, मुझे सिर्फ वही बच्चा चाहिए। किसके पास है वो? लेकिन उन्होंने वो बच्चा कानूनी तौर पर गोद लिया है, अब वो आपको नहीं मिल सकता। आप मेहरबानी करके सिर्फ उनका नाम और पता दे दीजिए। अच्छा, आप कल अनाथाश्रम से बच्चा लाए थे ना? क्या? वो बच्चा आपसे पहले मैंने पसंद किया था, अब वो गलती से दे दिया गया। वो मेरा है, वो बच्चा मुझे चाहिए। आप मेहरबानी करके। ठहरो ठहरो, तुम अंदर आओ। आओ बैठो। अब जरा आहिस्ते और आराम से बताओ तुम कौन हो, क्या चाहती हो? आपका नाम रामप्रसाद सक्सेना है ना? हाँ। मेरा नाम वंदना है। आपने जिस बच्चे को गोद लिया है वो मुझे चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। तुम उसकी माँ? तो फिर वो अनाथ आश्रम में कैसे चला गया? मैंने ही रखा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके जन्म से पहले ही उसके पिता इस दुनिया से गुजर गए और हमारी शादी समाज के सामने नहीं हुई थी, इसलिए मजबूर होकर मैंने अपने बेटे को अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया, ताकि दूसरे दिन सुबह जाकर मैं उसे कानूनी तौर पर गोद ले सकूं। अब विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। मैं अस्पताल से उस नर्स को भी बुला सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। तो आप मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए, वो मेरे जीने का एक ही सहारा है, वो मेरे पति की अमानत है। तो उसे हमारे घर में पलने दो। कभी नहीं। बहस करने से क्या फायदा, तुम औरत हो, अकेली हो, बच्चे की परवरिश करने के लिए तुम्हें हर कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम कर नहीं सकोगी। दुनिया कितनी जालिम है ये मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तो इसका मतलब आप मेरे बच्चे को वापस नहीं देंगे? इस घर में उसे किसी बात की कमी नहीं रहेगी, उसकी हर ख्वाहिश हर जरूरत पूरी की जाएगी, उसे पिता का नाम मिलेगा और एक नहीं दो माओं का प्यार मिलेगा। तुम ही फैसला कर लो इस घर में पलने में तुम्हारे बेटे की भलाई है या नहीं। आपका कहना हर तरह से ठीक है, लेकिन मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी, कैसे दूर रह सकूंगी उसे। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, उसे दो माओ का प्यार मिलेगा। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी और तुम्हारा बेटा तुम्हारे नजदीक रहेगा। नजदीक रहेगा, मगर मगर आपकी पत्नी? उसे किसी तरह समझाना पड़ेगा, वो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ, बच्चा तुम्हारा है, ये मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को मालूम ना हो। मगर बच्चे की खातिर ये वादा तुम्हें करना ही पड़ेगा। वादा करती हूँ और आपका ये एहसान। इसकी जरूरत नहीं, आंसू पोछ डालो, चलो मेरे साथ आओ।
अरे रो क्यों रहा है? क्या हुआ इसे? पता नहीं कब से रो रहा है, चुप ही नहीं होता। लाइए मुझे दीजिए। कौन है ये? हॉस्पिटल से आई है, डॉक्टर साहब ने भेजा है। तुमने कहा था ना तुम अभी बहुत कमजोर हो, बच्चे की देखभाल के लिए किसी नर्स की जरूरत है। अरे बाबा, मैंने किसी बुढ़ी औरत के लिए कहा था, ऐसी थोड़ी। जिसके अपने बच्चे हो बच्चा पालना जानती हूं। मैं जानती हूँ, बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर सकती हूँ। मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं बच्चे को इस तरह संभालूंगी कि आपको बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। हाँ, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा है, बहुत सिफारिश की है इसकी। मगर तुम क्यों सिफारिश कर रहे हो जी? अनीता, ट्रेन नर्स आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, और ये बेचारी बेसहारा है, इसे काम की जरूरत है। लाइए ना, मुझे दे दीजिए, मैं अभी चुप करा देती हूँ। हाँ, दो ना। लो, संभाल के लेना। वाह वाह, देखा फौरन चुप हो गया। मुन्ना तो राजा बेटा है, राजा बेटा कभी नहीं रोता। इसका क्या नाम रखा है आपने? मुझे तो सूरज नाम पसंद है। सुना आपने नाम? सूरज। सूरज बेटा, सूरज की तरह चमकना, दिन रात दुनिया में उजाला करना। सिर्फ दिन में नहीं तो रात को भी सारी दुनिया को जागना पड़ेगा। अब आप आराम कीजिए, मैं इसको बाहर के कमरे में ले जाती हूँ। नहीं नहीं, ठहरो, इधर लो, मेरे पास ला। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा हमेशा नर्स की गोद में रहे और अपनी माँ को भूल जाए। तुम जाओ, जब जरूरत होगी मैं बुला लूंगी। जा, चलो मैं तुम्हें रहने का कमरा दिखा दूं। आओ। मेरा राजा तुम्हारे बेटे के इतने पास होकर भी कितनी दूर हूं मैं, कैसे पूरा करूंगी तुम्हारा सपना? अकेली कौन सहारा देगा मुझे? तुम्हारा बेटा। अभी से हिम्मत हार रही हो? तुम्हें तो जीवन भर दुर्भाग्य से लड़ना पड़ेगा अपने बेटे का भाग्य बनाने के लिए। लो, कुछ देर इसे अपने पास रख लो, अनीता के जागने से पहले वापस कर देना। जी। पहचाना मुझे? मैं तेरी माँ हूं। माँ, अपने बाबा का सपना पूरा करना है तुझे, पायलट बनना है, बहुत बड़ा पायलट, समझे? बनेगा ना? आज एक साल के बाद तू अपने माँ के पास अकेला है। आज एक बार तो मुझे अपनी माँ कह कर पुकार। बोलना माँ। बोल नहीं सकता, बड़ा होकर बोलेगा ना? मेरा राजा बेटा, बड़ा होकर तू आकाश का राजा बनेगा अपने बाबा की तरह, बनेगा ना? टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू।
है तू। हिंदुस्तान कभी कोई चीज वक्त पर नहीं मिलती। खैर छोड़ो, तार के बदले मैं खुद आ गया ना। कितना बदल गया है तू। ओ दीदी कम ऑन, लेट्स गो इन प्लीज। आज जो दुनिया सारी बदल गई, लेकिन दीदी तुम्हारे घर की हालत अभी तक नहीं बदली। खैर अब तो मैं आ गया हूँ, सारे घर को मॉडर्नाइज कर दूंगा। ये देखो दीदी, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या ले आया हूँ। तुम्हारे लिए हेयर स्प्रे, ये परफ्यूम, ये मुन्ने के लिए। अरे मुन्ना कहाँ है? अभी तक मैंने अपने भांजे को देखा तक नहीं। अभी बुलाती हूँ। सूरज कहाँ चली गई थी मुन्ने को लेकर? जी पार्क में ले गई थी। इसके मामा जी आए हैं, इसे देखने के लिए तरस रहे हैं। हाँ, चल बेटा। सबसे तरस रहा हूँ मैं। कितना बड़ा हो गया मुन्ना, और काफी खूबसूरत भी। तुम्हारे साथ ही रहता है मुन्ना? जी हाँ। वंदना इसे अंदर ले जाओ। अरे सुनो, मुन्ने को मेरे कमरे में ले जाओ, मैं इसके लिए बहुत सारे खिलौने लाया हूं। हाँ, आया तो था सूरज निकलने की तस्वीर खींचने, मगर चांद नजर आ गया। चांद? हाँ, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को चांद ही कहते हैं। आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बस यही तो मार खा गया हिंदुस्तान। मुन्ने के दूध का टाइम हो गया। अरे सुनो तो, तुम तो मुझे गलत समझ बैठी। मैं तो तुम्हारी सिर्फ एक तस्वीर लेना चाहता था। मेरी तस्वीर? हाँ। माँ बस तुम यही खड़ी रहो, बस ऐसे ही। ठहरी मैं अभी आई। मामा लेंगे? हाँ बेटा, सूरज के साथ एक तस्वीर खींच लीजिए ना। अरे मैं तो समझा तुम कपड़े वपड़े बदलने, मेकअप वेकअप। जल्दी कीजिए ना। अच्छा, जरा स्माइल। हियर यू आर। कब मिलेगी तस्वीर? यही कल शाम तक। मुझे कॉपी देंगे? अरे तुम ये कॉपी की बात करती हो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। चल मुन्ना। अरे सुनो तो, ओहो